त्रिलोकनगर गांव में एक राजू नाम का आदमी अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। वो आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे। सुनीता राजू के लिए रोज उसके पसंदीदा पकवान बनाती और राजू भी सुनीता का बहुत ध्यान रखता था। एक दिन सुनीता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। राजू सुनीता को बीमार देखकर बहुत परेशान होता है और धीरे धीरे सुनीता की तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि वो मरने वाली होती है। मरने से पहले उसने अपने पति से कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे मरने के बाद तुम मुझे भुला दो और किसी दूसरी औरत से शादी करो। तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे मरने के बाद किसी और से ना तो शादी करोगे और ना ही किसी से प्रेम करोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो मेरी आत्मा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। सुनीता तुम ऐसा मत कहो, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। नहीं, आप मुझसे वादा कीजिए, मैंने जैसा कहा है आप वैसा ही करोगे। राजू सुनीता से वादा करता है और वादा करते ही सुनीता मर जाती है। सुनीता के जाने के बाद राजू सुनीता को बहुत याद करता है और दुखी रहने लगता है। उसकी ऐसी हालत देखकर गांव वाले मिलकर जबरदस्ती राजू की शादी कमला नाम की एक सुंदर सी लड़की से करवा देते हैं। राजू कभी भी कमला को अपनाता नहीं है, उसे अपनी पहली पत्नी को दिया वादा याद रहता है। लेकिन कमला राजू की अच्छे से सेवा करती है, उसका बहुत ध्यान रखती है, ये देखकर राजू भी कमला को अपना लेता है। एक दिन राजू को ऐसा लगता है कि कोई उसे पीछे से पुकार रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे उसकी पहली पत्नी की आत्मा थी। तुमने मुझसे किया अपना वादा तोड़ा है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और अब हर रोज तुम्हें परेशान करूंगी। सुनीता की आत्मा को अपने सामने देखकर राजू के तो होश उड़ गए, तुमसे हक्का बक्का रह गया। तुम तो मर गई थी ना। वो गायब हो गई। राजू घबरा गया। और रात भर उसे नींद नहीं आई। अगले दिन भी रात को उसे सुनीता की आत्मा दिखाई दी। उसे बोली, मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। मैं जानती हूँ कि आज तुमने मेरी सौतन से क्या क्या बातें की हैं। और उसने राजू को वो हर एक बात बता दी जो उसने कमला से की थी। ये सुनकर राजू डर कर कांपने लगा। अगले दिन वो गांव से बहुत दूर एक सतगुरु के पास गया और उनको अपने साथ घटित सारी बात बता दी। ये आत्मा बहुत चालाक है। जी सतगुरु जी, तभी तो उसे मेरी एक एक बात पता होती है। तुम चिंता मत करो, मैंने ऐसी बहुत सी आत्माओं का सामना किया है, मेरे पास इसका इलाज है। इस बार जब तुम्हारी पत्नी की आत्मा तुम्हारे पास आए तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ तुम ठीक वैसा ही करना। राजू वहां से निकलकर अपने घर पहुंचा। देर रात जब सुनीता की आत्मा वापस आई तो राजू ने आत्मा से कहा, तुम इतनी चालाक हो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपा सकता और जैसा कि तुम चाहती हो मैं कमला को छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। और हाँ, अगर तुम जवाब नहीं दे पाई तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ना होगा और तुम कभी भी हमें परेशान नहीं करोगी। मुझे मंजूर है, तुम अपना सवाल पूछो। राजू भागता हुआ रसोई में गया और वहां से मुट्ठी भर चावल लेकर आया और आत्मा से कहा, बताओ मेरी मुट्ठी में कितने चावल के दाने हैं। ये सुनकर सुनीता की आत्मा डर गई और गायब हो गई। अगले दिन जब राजू सतगुरु के पास उनको शुक्रिया कहने गया,
सद्गुरु जी, सुनीता की आत्मा से मेरा पीछा छुड़ाने के लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। पर मैं ये नहीं समझ पाया कि आखिर उस जवाब में ऐसा क्या था कि एक झटके में ही सुनीता की आत्मा गायब हो गई। बेटा, दरअसल ऐसी कोई आत्मा थी ही नहीं। मतलब मैं समझा नहीं सद्गुरु जी। हाँ, कोई आत्मा थी ही नहीं। दरअसल दूसरी शादी करने से तुमने जो अपनी बीवी सुनीता को जो वादा किया था वो टूट गया था, जिसकी वजह से तुम्हें एक अपराध बोध महसूस हो रहा था और उसी वजह से तुम्हारे दिमाग में एक भ्रम पैदा हो गया जो तुम्हें तुम्हारी बीवी सुनीता की आत्मा का अनुभव करा रहा था। अगर ऐसा था तो वो मेरी हर बात कैसे जानती थी? क्योंकि वो तुम्हारा बनाया हुआ ही भ्रम था, इसलिए जो कुछ तुम जानते थे वो भी जानती थी। और यही कारण था कि मैंने तुम्हें वो चावल के दाने वाला सवाल पूछने को कहा था, क्योंकि मैं जानता था कि इस सवाल का जवाब तुम्हें भी नहीं पता होगा और इसलिए वो आत्मा भी इसका जवाब नहीं दे पाएगी और तुम्हें तुम्हारे दिमाग की ही उपज से छुटकारा मिल जाएगा। राजू सतगुरु की पूरी बात समझ चुका था और उसने एक बार फिर से सतगुरु जी को धन्यवाद किया और अपने घर लौट गया। और उसे कभी भी अपनी पहली पत्नी सुनीता की आत्मा नहीं दिखाई दी और वो अपनी दूसरी पत्नी कमला के साथ खुशी खुशी रहने लगा। महानगर नाम का एक गांव था। उस गांव का नाम महानगर ही नहीं था, वो गांव वैसे भी बहुत बड़ा था। उस गांव के लोग मिलजुल कर रहते थे, वहां लोग एक दूसरे की मदद भी किया करते थे। उस गांव में रंजन नाम का एक लड़का छोटे से घर में अपनी माँ और दो बहनों के साथ रहता था। उसके पापा की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। जब उसके पिता की मृत्यु हुई थी तब वो लगभग 10 से 11 साल का था। रंजन बहुत आलसी था और कोई काम धंधा भी नहीं करता था। उसके दो दोस्त थे, वो उनके साथ पूरे गाँव में घूमता रहता था या फिर वो घर में ही पड़ा रहता था। उसकी माँ गांव की एक कपड़े की फैक्ट्री में सफाई का काम किया करती थी और रंजन की बड़ी बहन गांव के सरपंच के यहाँ पर खाना बनाने का काम किया करती थी और उसकी छोटी बहन अभी स्कूल में पढ़ रही थी। एक दिन रंजन की माँ रंजन से बोलती है, रंजन तुझे शर्म नहीं आती है? तू पूरे दिन बाहर घूमता है या फिर घर में पड़ा रहता है। मैं और तेरी बहन बाहर जाकर काम करते हैं। माँ, मुझसे ये मेहनत वाली नौकरी नहीं होती है। मुझे ऐसा काम करना है जहाँ मेहनत ना करनी पड़े। अगर ऐसी कोई नौकरी है तो बता, मैं कर लूंगा। रंजन, बिना मेहनत के कोई तुझे तनख्वाह क्यों देगा? तू जो पैसे से ये ऐश करता है ना, उस पैसों को कमाने के लिए मैं और तेरी बहन मेहनत करते हैं, तब हमें महीने पर तनख्वाह मिलती है। माँ, तू अब मुझे परेशान मत कर और आराम से सोने दे। अब बहुत हो गई तेरी आवारागर्दी, चल अब उठ और बाहर जाकर कोई काम धंधा ढूंढ। और जब तक तू कोई काम नहीं करेगा तब तक तू घर में नहीं आएगा। उसकी माँ उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल देती है। माँ, माँ, ये क्या कर रही है? मैं कहाँ जाऊँ? उसकी माँ उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे घर से बाहर निकाल देती है। रंजन अपने दोनों आवारा दोस्तों के पास जाता है और उनसे कहता है, अरे चंदन यार, कोई नौकरी बता, आज तो माँ ने मुझे घर से बाहर ही निकाल दिया। हाँ यार, एक नौकरी है। कल ही सरपंच जी ने मुझसे जंगल में से लकड़ियां काट कर लाने के लिए कहा था और वो इस काम की बहुत अच्छी तनख्वाह भी दे रहे हैं। लेकिन तुझे तो पता है ना कि जंगल में जान का खतरा है। जंगल में? वहां पर कैसा खतरा? मुझे तो नहीं पता। अरे रंजन, मैंने सुना है कि जंगल में एक श्रापित इच्छाधारी भेड़िया है। श्रापित भेड़िया? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। हाँ रंजन, जंगल में एक श्रापित भेड़िया है और वो बहुत सालों से वहीं पर है। एक बार उस जंगल में एक बहुत बड़े महंत बाबा जा रहे थे कि तभी उस भेड़िया ने उन महंत बाबा पर हमला कर दिया और उनको बहुत जख्मी कर दिया, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और मरने से पहले उन बाबा ने भेड़िया को एक श्राप दिया था कि वो जिंदगी भर ऐसे ही जंगल में भटकता रहेगा और वो जिस इंसान को काटेगा तो वो इंसान उसके काटने से भेड़िया की तरह बन जाएगा और वही इंसान उस भेड़िया को मारेगा। इसलिए वो भेड़िया किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ता है और जब से उस जंगल में कोई भी नहीं जाता है। अब छोड़ ना, ये सब बेतुकी अफवाह है। वहां पर कोई भेड़िया वेड़िया नहीं है। मैं अभी जंगल में जाकर उस भेड़िया को देखता हूँ। अबे यार, तू वहां मत जा, वहां जाना मरने के बराबर है। रंजन राजेश और चंदन की बातों को अफवाह समझकर जंगल में चला जाता है। जंगल बहुत बड़ा होता है और बहुत घना और बहुत डरावना भी।
अरे ये जंगल तो बहुत डरावना है, और इस जंगल में तो कोई जानवर भी नहीं दिख रहा है और एक पक्षी भी नहीं है। मुझे लगता है कि राजेश और चंदन सही कह रहे थे कि इस जंगल में वो श्रापित इच्छाधारी भेड़िया रहता है। मुझे अब जल्द से जल्द इस जंगल से बाहर निकल जाना चाहिए। रंजन डरता हुआ जंगल से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उसके सामने वो इच्छाधारी भेड़िया आ गया। उसे देखकर रंजन बहुत डर जाता है, क्योंकि वो भेड़िया बहुत ही डरावना दिख रहा था। भेड़िये के बहुत लंबे लंबे बाल थे, उसकी आंखें पूरी काली थी और उसके नाखून भी बहुत लंबे और नुकीले थे। रंजन उसे देखकर हक्का बक्का रह गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि वो क्या करे। भेड़िया तेजी से रंजन की ओर बढ़ा, फिर रंजन जल्दी से जंगल से बाहर निकलने के लिए भागा। लेकिन तभी भेड़िया रंजन के पैर पर काट लेता है और वापस चला जाता है। रंजन जैसे तैसे करके घर आ गया। उसे जख्मी देखकर उसकी माँ उससे पूछती है, अरे रंजन ये क्या हो गया, तेरे पैर पर इतनी चोट कैसे लग गई? रंजन अपनी माँ को सच नहीं बताता और झूठ बोल देता है। कुछ नहीं माँ, वो मेरे गली के कुत्ते ने काट लिया। ऐसा कहकर रंजन अंदर अपने कमरे में चला जाता है और शीशे के सामने खड़े होकर भेड़िये के काटे हुए निशान को देखता है। मुझे भेड़िये ने काट लिया, मैं भी अब भेड़िया बन जाऊंगा। रंजन ये सोच सोच कर बहुत रोता है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। एक दिन रंजन सो रहा था कि सोते हुए उसके शरीर में अजीब सी चीजें होने लगी। उसके शरीर पर लंबे लंबे बाल निकलने लगे। रंजन ये सब देख कर डरने लगा और फिर उसके नाखून भी लंबे हो गए। उसकी पीठ मुड़ गई और वो एक भेड़िये की तरह बन गया। और ऐसे ही अब वो रोज रात एक भेड़िये की तरह बनने लगा। एक दिन रात को रंजन की माँ उसके कमरे में आ रही होती है कि तभी वो खिड़की से रंजन को भेड़िया बनते हुए देख लेती है और बहुत डर जाती है। अगली सुबह वो गांव के एक महंत योगी बाबा के पास जाती है। योगी बाबा बहुत बुजुर्ग होते हैं। योगी बाबा, मेरे बेटे को बचा लीजिए, कृपया करके आप मेरे बेटे को बचा लीजिए। बेटी क्या हुआ, मुझे बताओ, तेरे बेटे को कहां से और किससे बचाना है? योगी बाबा, मेरा बेटा भेड़िया बन गया है। कल रात मैंने उसे भेड़िया बनते हुए देखा। योगी बाबा ये सुनकर समझ जाती है कि जरूर रंजन को उस भेड़िये ने काटा है, क्योंकि उस भेड़िये को योगी बाबा के गुरु ने ही श्राप दिया था कि वो जिसे भी काटेगा वो इंसान भेड़िया बन जाएगा और वही इंसान उस भेड़िये को मारेगा। बेटी, तेरे बेटे को उस जंगल वाले भेड़िये ने काटा है। उस भेड़िये ने, लेकिन कैसे? बाबा, अब तो वो भेड़िया मेरे बेटे को मार देगा। बेटा, मुझे नहीं पता कि उस भेड़िये ने तेरे बेटे को कैसे काटा, लेकिन शायद तेरा बेटा ही उस भेड़िये का अंत करेगा। शायद भगवान ने ही तेरे बेटे की जान बचाई है, नहीं तो अभी तक तो वो भेड़िया तेरे बेटे को मार देता। बेटी तू चिंता मत कर, मैं कैसे भी करके तेरे बेटे को बचा लूंगा। अगले ही दिन पूर्णिमा थी और पूर्णिमा के दिन उस भेड़िये की ताकत कम हो जाती है, इसलिए योगी बाबा अपने कुछ शिष्यों और गांव वालों के साथ मिलकर रंजन को साथ लेकर उस भेड़िये को मारने के लिए जंगल में जाते हैं। रंजन अभी साधारण होता है, वो रंजन को आगे भेजते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि रंजन को मारने के लिए वो भेड़िया जरूर बाहर आएगा। योगी बाबा के शिष्य और गाँव वाले हाथों में मशाले लेकर खड़े थे कि तभी उन्हें भेड़िये के आने की आवाज सुनाई दी। वो सब रंजन को वहीं छोड़कर पेड़ों के पीछे छुप गए। तभी वो भेड़िया भागते हुए रंजन की ओर आया। जैसे ही वो भेड़िया रंजन के पास आया कि तभी सभी लोगों ने उस भेड़िये को चारों ओर से घेर लिया। योगी बाबा उस भेड़िये से बोलते हैं, तूने बहुत लोगों को मारा है, तेरी वजह से बहुत लोगों ने अपने परिवार वालों को खोया है, आज तो तू नहीं बचेगा। सभी मिलकर इस आग से इसे जलाओ और हमेशा के लिए इसका खौफ खत्म कर दो। सभी लोग उस भेड़िये को जिंदा जला देते हैं और भेड़िये के जलते ही रंजन का उस भेड़िये का काटा हुआ निशान गायब हो जाता है और रंजन के अंदर से उस भेड़िये का असर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो भेड़िया जल कर मर जाता है। फिर सभी लोग जंगल से निकलकर गांव की ओर आ जाते हैं और उस दिन के बाद से गांव वालों पर से उस भेड़िये का डर निकल जाता है।
और रंजन भी अपनी माँ के साथ उसी फैक्ट्री में कपड़ों की पैकिंग का काम करने लगता है।